एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का जो वीडियो है हमारा मीशो से होम डेकोर हॉल वीडियो है। और आज के इस कलेक्शन में मैंने बहुत ही अफोर्डेबल एंड अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, तो वीडियो में बने रहने का एंड तक। एंड चैनल पर अगर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिएगा। और आज के लिए प्लीज एक चीज आपको अवॉइड करनी होगी, मेरी ये वाली राइट वाली आई, बिकॉज इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन, क्या मतलब किसी कीड़े ने काट लिया यार, बरसात का टाइम है ना, तो थोड़ा सा अवॉइड करना, काम भी करना जरूरी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करना, प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। चलिए फर्स्ट प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल से फ्लावर, पूरा मैं इसको बोलूंगी पूरा स्टिक्स है ये, एंड सेट ऑफ टू मुझे मिले हैं। एंड गाइज, सीरियसली मुझे ये मंगवाते हुए ना थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि इनकी क्वालिटी बहुत बेकार आएगी, बेकार इन द सेंस की थोड़े ना जैसे ये दिख रहे हैं ना, स्टिफनेस नहीं रहेगी। बट गाइज ट्रस्ट मी, ये इतने ज़्यादा ब्रिटी है ना, ट्रस्ट मी, मेरे को ना वैसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह जो बहुत कम पसंद आते हैं, और अगर आते हैं तो थोड़े बहुत सोफेस्टिकेटेड कलर और बहुत डिसेंट क्वालिटी वाले ही पसंद आते हैं। एंड ये वही डिसेंट क्वालिटी है, ट्रस्ट मी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मीशो पे मुझे क्वालिटी मिलेगी। बट गाइज इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं। बाकी मैं इसका ना साइड में वास में लगाकर दिखा दूंगी, वो मेटल का वास मैंने ऑफलाइन बाय किया था, आई थिंक वो मीशो पे भी मिल जाएगा, तो मिलेगा तो लिंक शेयर कर दूंगी। बट गाइज सीरियसली ऑफ वाइट इनका कलर है, एंड ये जो निकल कर आ रहे हैं ना इतने प्यारे लग रहे हैं, इसको तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। मुझे ना बहुत ज़्यादा कलरफुल से अच्छे नहीं लगते हैं, बट मुझे ये दिखे एंड और इतना अफोर्डेबल ले लो, देख सकते हैं इस तरीके के बॉक्स में आया है। एंड ये है मेरा वन ऑफ माई फेवरेट, बहुत सारे शेयर कर चुकी हूँ, होम डेकोर हॉल नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर चेक कर लेना, अभी लेटेस्ट भी शेयर किया है, बहुत पसंद भी आया है आपको। इस तरीके के बॉक्स में आप समझ ही गए होंगे क्या है, ये है स्टार लाइट्स। एंड गाइज इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सी ये मैं आपको ना प्रॉपर लगा के दिखा दूंगी बेड पर या कहीं साइड, उसमें प्रॉपर अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी और लाइक भी कर देना, भूल जाओगे वरना बाद में ना। इस तरीके के ये पेस्टेड कलर्स में ये स्टार लाइट्स हैं। एंड गाइज इतनी प्रिटी लगती है ना, एकदम से लुक चेंज कर देती है। सी ये 16 उसमें है, 16 स्टार्स हैं, बहुत अच्छे से पेस्टेड कलर में है। एंड आई थिंक 3 मीटर की है ये जो है ना वायर, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा एकदम से लुक चेंज कर देता है, हाईली रिकमेंड करूंगी। बहुत अच्छे रैंडमली दिखा देती हूँ जो भी हाथ में आ रहा है। इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, ये है बहुत ही सुंदर सा हैंगिंग में, ये लिखा है कैमरे पर आपको उल्टा लग रहा होगा, पधारो सा, मतलब आप इसको मेन डोर पर लगा सकते हैं, मेन एंट्रेंस डोर पर लगा सकते हैं। इस पे ये लेडी बनी हुई है घूंघट करे हुए, एंड ये अंकल जी टाइप के हैं, ये मूछों वाले, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। इसको मैं क्या करने वाली हूँ, डेकोरेट करने वाली हूँ, तभी कह रही हूँ चैनल पर बन जाओ, सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके की क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। एंड ये MDF उसमें है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तरीके से आप। सो गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, वो है एक ब्यूटीफुल सा बैग, ये मैंने जूक का बैग अपने लिए ऑर्डर किए हैं, एक नहीं दो दो बैग ऑर्डर किए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है गाइस, जूक के बैग मुझे इतने ज्यादा पसंद है ना, बिकॉज हैंडमेड होते हैं एंड प्राउडली इंडियन ब्रांड है, तो इस ब्रांड को तो मैं बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हूँ। इस तरीके से ये न्यूली लॉन्च हुआ था ना, इसलिए मुझे बैग बहुत अच्छा लगा, क्यूट सा छोटा सा। इनका जो लेदर होता है ना गाइज, वो एकदम प्योर होता है, एनिमल इसके अंदर स्किन नहीं होता है, एंड पेटा अप्रूव्ड होता है, आप देख सकते हैं जूट है, एंड प्रिंट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रियल है, इंडियन प्रिंट्स अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ये लोग अलग अलग प्रिंट्स बैग पर बनाते हैं। तो गाइज मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है कि क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का लोगो लगाया है, ये बहुत ही अच्छी से इन्होंने इस तरीके से चार्म ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो एक स्लिंग बैग मंगवाया गाइस, इसका प्रिंट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी है ये वाला। इस प्रिंट में मेरे पास वो बिग वाला भी बैग है, वो शोल्डर बैग जिसमें लैपटॉप भी आ जाता है, इसलिए मुझे पसंद है। इनके बैग्स ना काफी स्पेशियस होते हैं, इस तरीके से राउंड शेप में है, बहुत क्यूट सा लग रहा है ना। सी इस तरीके से जिप है, ये भी काफी ज्यादा स्पेशियस है, तो इसका भी प्रिंट काफी अच्छा है। सी आप देख सकते हैं गाइस, इसी को गिफ्ट करना हो ना, जैसे राखी आ रहा है, राखी पर आप अपनी सिस्टर्स को, मदर को, बुआ चाची, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन तो लड़कियों के को हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैग एक ऐसी चीज है हम सब लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो हाईली रिकमेंड करूंगी। बाकी अगर मेरे दिए हुए कूपन कोड आप यूज करते हैं विच इज YTRajani12, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा। कुछ भी आप वेबसाइट से बाय करते हैं ना, कुछ भी,
तो आप बाय कर सकते हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप बैग्स वगैरह आप अपने लिए शॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ना ये दो मैट मंगवाए हैं, ग्रास वाले, एकदम रियल लगते हैं ये। ये मुझे मेरी वीडियोस में भी काम आने वाला है, ये सेट ऑफ टू मैंने लिए हैं एंड भी बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आप अपने गार्डन बालकनी में रख सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं, मेन डोर पर बहुत तरीके से यूज़ करना चाहें वो आप रख सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल मिल रहे थे तो मैंने ले लिए, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसलिए मैंने ले लिए। मैंने सेट ऑफ टू मंगवाए हैं लैंड 10 एंड ये क्वालिटी एक्चुअली ना मुझे अच्छी लगी एंड क्वालिटी क्या मुझे अफोर्डेबल मिल रहे थे बिकॉज होम सेंटर से मैंने लिए थे। ये अप्रॉक्स 199 का एक मुझे मिला था दिवाली के टाइम पर। एक्चुअली दिवाली पर ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो ये मैंने इसलिए ले ली बिकॉज 250 में मुझे दो मिल गए थे तो अच्छी डील लगी एंड 199 में भी वो ऑफर में थे। इस तरीके से यहाँ पर आप टी लाइट कैंडल रख सकते हैं एंड यहाँ पर इसको जला सकते हैं ये। एंड ये जो आप कलर देख रहे हैं ना ब्लू कलर में, ये ग्लास में है, बाकी ये पूरा आपका उसमें है मेटल में। अच्छा लगा, आप इसको हैंग भी कर सकते हैं एंड कहीं प्लेस भी कर सकते हैं। दूसरा ये रेड कलर है, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो एक बहुत ही काम की चीज़ मंगवाई है, वो है ये। ये एक्चुअली क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत काम की चीज़ है, क्लीनिंग वगैरह करने के लिए बहुत काम आता है। ये इस तरीके से है, ये आप देख रहे हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यार। ये आप इस तरीके से, इसका हैंडल अलग से दिया है, इसको इसमें आप इंसर्ट करेंगे, काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी अच्छे से आपको लगाना पड़ेगा। ये आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे एंड ये लग जाएगा एंड इजीली आप इसको क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, सोफ़ा क्लीन करना। वैसे बेसिकली मैंने ये अपनी कार के लिए मंगवाया है, कार को क्लीन करने के लिए एंड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और यार अफोर्डेबल था बहुत ज़्यादा, इसे तो मैं बोलूँगी आप ले लो, क्लीनिंग में बहुत काम आएगा। एंड ये इसका हैंडल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, फॉर्म उसमें है ना, और ये स्टील में है तो ठीक है यार। 200 रुपीज़ में और क्या चाहिए आपको, है ना, क्लीनिंग वगैरह जहाँ हाथ नहीं जा रहा हो, कोई आपको फोटो फ्रेम वगैरह, कोई सीनरी वगैरह क्लीन करनी हो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, तो हाईली रिकमेंड करूँगी। आई थिंक ना हाँ यहाँ से निकल भी जाता है, यस ये चीज़ यहाँ से निकल भी जाता है एंड आप इसको वॉश करना चाहो तो ईजिली आप इसको हैंड वॉश कर। है इस बॉक्स पैकेजिंग में, यस ये मैंने अपने लिए मंगवाया है, ये एक्चुअली बहुत टाइम से मेरी इस पर नज़र थी, ये सेट ऑफ टू है। ये मैंने एक्चुअली अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखने के लिए मंगवाया है, दो होल्डर्स हैं एंड इसमें आप चाहे कॉटन बॉल्स रख सकते हैं, कॉटन वाइप्स जो आते हैं ना वो रख सकते हैं, ईयरबड्स रख सकते हैं। तो ये सेट ऑफ टू मुझे मिले हैं तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, है ना, अच्छे से, क्योंकि ना यार कभी कभार ना मिलते ही नहीं है ये, सामने रहेंगे ना ईयरबड बहुत काम की चीज़ होती है, कॉटन वाइप्स तो हम लड़कियों को चाहिए चाहिए, तो ये तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ले लो, ठीक है यार 200 रुपीज़ में और क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट वैसा नहीं है बट हाँ आप इसको जस्ट, वैसे भी टाइट होगा तो यार निकालने लगाने में बहुत दिक्कत होगी आपको, जैसे इसको निकालना है एंड अपना यूज़ करना है, ठीक है। सर मैंने ये किचन के लिए मंगवाए हैं, सेट ऑफ 4 है, एक मैंने यूज़ कर लिया है, 5 है पता नहीं 6 से, तो ये मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पर। ये टाल है बेसिकली, इसमें हैंग वो भी है, माइक्रोफाइबर है इसका फैब्रिक जो है, इस तरीके से ये आपको लगाने का भी है, अलग अलग कलर्स में है, क्लीनिंग वगैरह के लिए। वैसे मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह के लिए और जो बेसिकली जो गीले बर्तन होते हैं ना वॉश होने के बाद, जैसे कभी हमें इंस्टेंटली चाहिए होता है तो उसको वाइप आउट करने के लिए भी बहुत जल्दी पानी सोखता है, तो हाईली रिकमेंड करूंगी। अच्छी चीज़ है, मैंने इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में आया है ये, है ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे काम की चीज़ एंड ये मैंने सेकंड और थर्ड टाइम मैंने ऑर्डर किया है, मतलब मुझे याद नहीं है मैंने कितनी बार ये मंगवा लिए क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे यार। और इस बार ना मैंने ये वाला देखते हुए मंगवाया कि मुझे इसका थोड़ा सा लालच हो गया था कि इसमें ना हैंग वगैरह करने के लिए, जैसे कोई छोटा सा हैंगी किचन में हैंग करने के लिए, जैसे वो क्लीनिंग के होता है ना, जैसे ये हैंग करना हो तो ये हैंग कर सकते हैं, तो ये बेसिकली सेल्फ ऑर्गेनाइजर है एंड गाइज ये ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा स्टडी होता है इसलिए मैंने दोबारा मंगवाया है। एंड इस तरीके से स्टिक करने का होता है एंड ये तो यार आपको पता ही होगा, यहाँ पर ये लगाने का है, यहाँ पर आप इसको ऐसे लगाएंगे ना तो वॉल पे ये ऐसे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर वॉल को क्लीन, वॉल नहीं टाइल एकदम क्लीन होनी चाहिए। एंड ये सेट ऑफ 4 है, दो इसके लिए एंड दूसरा वाला ना आप इसको आई थिंक ये यहाँ पर लगा सकते हैं ऐसे, पिक्चर में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी तो आप नीचे वो हैंकी वगैरह आप लगा। जो लास्ट प्रोडक्ट है ना वो इस तरीके से मैंने कैंडल, टी लाइट कैंडल सेट्स मंगवाया है, तो ये एक्चुअली टी लाइट्स वगैरह काफ़ी काम आते हैं दिवाली वगैरह पर भी ना, एंड ये इस तरीके से है कैंडल, तो ठीक लग रही है यार ऐसा है, ठीक है। और
बहुत ज़्यादा वैसी नहीं लग रही, ठीक है पतली सी है एंड 50 है, ठीक है अफोर्डेबल मुझे मिल रहा था इसलिए मैंने। आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा एंड पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना मेहनत को देखते हुए और प्रोडक्ट्स को भी देखते हुए, और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो जल्दी से और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आ रही हूँ मैं, मिस ना हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, चलते हैं, बाय, टेक केयर, बाय।